हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में लोगों के ऊपर बिजली बम गिरा दिया गया। पिछले हफ्ते जब बिजली के बिल उनके घरों में ड्रॉप किए गए तो वो किसी तरह से भी नागासाकी और हिरोशिमा से कम नहीं थे। चीजा सस्तियां होनी चाहिए, बिल कम होने चाहिए। सू पूरी जिंदगी चाहना कभी बिल नहीं आया। दो महीने 26,000 रुपया बिल आ गया, 18,000 रुपया तनखा वा, 4 बच्चे मेरे ड्राइवरी। एक गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करके 20,000 से 25,000 रुपया कमाता है, जब उसके घर में 18,000 से 20,000 रुपया बिजली का बिल आ जाएगा तो उसका दिमाग मफलूज हो जाएगा। वो बिल्कुल नहीं समझ पाता कि उसको ये बिल कहां से अदा करना है। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन पिछले हफ्ते पाकिस्तान में हुई, जब लोगों ने बिजली के बिल देखे तो परेशान हो गए कि इतनी बड़ी रकम वो कहां से अदा करेंगे। फिर हमने सोशल मीडिया और टीवी के ऊपर देखा कि लोग अपनी बालियां, अपनी मोटरसाइकिल्स और अपने जेवरात बेचने पे मजबूर हो गए कि वो किसी तरह से बिजली के बिल अदा कर दें ताकि उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी ना काटी जाए। कुछ ऐसे खौफनाक मनाजर भी देखने को मिले जिसमें गरीब आदमी अपनी महंगाई और इस बिजली के बिल से तंग आके खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक से ये बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं और कौन एक्चुअली इसका जिम्मेदार है। 16,000 रुपए बिल आया, सिर्फ पंखा और 3 जने हम हैं। पाकिस्तान बना हुआ जितने 75 साल हो गए, ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। तीनों हजरात, जैसे हम सब जानते हैं, आज से 1.5 साल पीछे चले जाएं तो इमरान खान के दौर के अंदर सब अच्छा की रिपोर्टें आ रही थी। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा था, फॉरेन रिजर्व भी बड़ी अच्छी तादाद के अंदर मौजूद थे और इसके साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट्स के अंदर भी ओवरसीज पाकिस्तानी ने 6 से 7 बिलियन डॉलर पार्क किए हुए थे। मुल्क की इकोनॉमी बड़े अच्छे तरीके से चलती हुई नजर आ रही थी। गो के एक परफेक्ट कंडीशन तो नहीं थी लेकिन फिर भी हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक से इमरान खान की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया और एक नया एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के अंदर किया गया। इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ रिप्लेस करके शहबाज शरीफ को इंस्टॉल कर दिया गया और फिर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने यह दावे किए कि हम तो अपने कपड़े बेच देंगे लेकिन गरीब आवाम के मसले मसाइल हल करेंगे। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। फिर हमने देखा कि वजीर खजाना इसहाक डार, जो कि एक मफरूर था, उसको प्राइवेट जहाज के ऊपर बिठा के पाकिस्तान में लाया जाता है और वो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। हालात कुछ इस तरह से थे कि पाकिस्तान के रिजर्व दिन ब दिन गिरते जा रहे थे और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व करीब 3 बिलियन डॉलर से भी ड्रॉप कर गए। इसहाक डार जो बाहर से बैठे हुए ये दावे कर रहे थे कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल ठीक कर देंगे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उनका दिमाग मफलूज हो गया कि किस चीज को कहां से स्टार्ट लिया जाए। IMF से 1 बिलियन डॉलर की डील करने के लिए पाकिस्तान तरले मिंतों पे आ गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा देने के लिए वाहद हल फॉरेन कर्जे थे लेकिन कोई भी दोस्त मुल्क कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। इस सिचुएशन में पाकिस्तान IMF की तरफ भागता है लेकिन IMF भी किसी तरह से पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाता। इसहाक डार और उसकी टीम लगातार कई महीनों तक IMF के साथ डिस्कशन करती है लेकिन उनसे बेल आउट पैकेज लेने में नाकाम रहती हैं। एक वक्त तो वो आ जाता है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ही ये कहते हुए सुनाई देता है कि इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। एट द एंड पाकिस्तान किसी तरह से IMF के साथ डील करने में कामयाब हो जाता है लेकिन ये स्टैंड बाय मुआयदा किन शरायत के ऊपर तय किया गया ये पाकिस्तान की अवाम से छुपाया जाता है। हवातीनों हजरात, यही वो मुआयदा था जिसमें शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने गरीब अवाम का जुलूस निकाल दिया। गवर्नमेंट ने IMF के साथ जो डील की उसके अंदर पेट्रोल और बिजली की प्राइसेस को बढ़ाना और डिफरेंट फेजेस के अंदर बढ़ाना शामिल था। हमने देखा कि पिछले चंद महीनों के अंदर पेट्रोल और बिजली की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, यहां तक कि निगरान हुकूमत के दौर के अंदर भी 5-6 रुपए तक बिजली की कीमतों को बढ़ा दिया गया, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। पार्लियामेंट के अंदर से कुछ हिस्से मुहालिफ की जमातों में से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि ये बिजली के रेट IMF के इस मुआयदे के मुताबिक बढ़ते-बढ़ते 90 रुपए फी
यूनिट तक चले जाएंगे। अगर वाकई बिजली की कीमत इतनी महंगी हो गई तो पाकिस्तान में करीब 80% लोगों के घरों के मीटर काट दिए जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो अपने बिजली के बिल अदा कर सकें। हम दोबारा से स्टोन एज में चले जाएंगे, जहाँ पे हमारे घरों में मोमबत्तियां और दिए जलाए जाएंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा कि बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद लोगों ने एहतजाज किया और बिजली के बिलों को जला दिया। बाज जगहों में तो मस्जिदों में ऐलान किए गए कि आप बिजली के बिलों को जमा ना करवाएं बल्कि इनको जला दें। बातिनों हजरात, ये हालात बहुत ही खतरनाक और अलार्मिंग है, क्योंकि सिविल नाफरमानी की तरफ इसको पहला कदम कहा जा सकता है। अगर किसी तरह से इंटरन गवर्नमेंट ने बिजली की कीमतों को कंट्रोल ना किया तो आने वाले दिनों और महीनों में ये आवाम तंग आके रोडों पे आ जाएगी और अपने हकूक के लिए आवाज उठाना शुरू कर देगी। खवातीनो हजरात, क्विकली हम बिजली के रेट्स की तरफ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन टैरिफ्स के अंदर बिजली की फीकस यूनिट्स के रेट क्या हैं और बिजली की कीमत के अलावा कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आवाम के बिलों के अंदर डाल दिए जाते हैं, जिनके बाद इवेंचुअली बिल की रकम एक्चुअली कंजम्पशन से भी ज्यादा हो जाती है। जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और लगातार 6 महीने तक उनकी यूनिट्स 200 से क्रॉस नहीं करती, उनको प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। और अगर 1 महीने के लिए भी उनकी यूनिट्स 200 को क्रॉस करती हैं तो वो प्रोटेक्टेड से अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर इनको क्या रेट्स पड़ते हैं। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक बनता है और इसका रेट 10.06 रुपए बनता है। अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर 1 से लेकर 100 यूनिट तक 16.48 रुपए चार्ज किए जाते हैं। 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक 22.95 रुपए चार्ज किए जाते हैं। 201 से लेकर 300 यूनिट तक 27.14 रुपए चार्ज किए जाते हैं। 300 से 400 32.03 रुपए, 400 से 500 35.24 रुपए, 500 से 600 36.66 रुपए, 600 से 700 37.80 रुपए और 700 से जो अबव यूनिट्स हैं उनको 42.72 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। ये तो वो चार्जेस हैं जो आप बिजली यूज करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे चार्जेस हैं जो आपके बिल में ऐड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स आपके बिल के ऊपर ऐड किया जाता है। इसके अलावा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के अंदर जब फर्नेस ऑयल की कीमतें ऊपर जाती हैं या डॉलर फ्लक्चुएट होता है तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके क्वार्टरली आपके बिल के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और FC सरचार्जेस को ऐड किया जाता है। इसके अलावा एक फ्लैट फी 35 रुपीज टीवी की मद के अंदर चार्ज किए जाते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेडियो की मद के अंदर भी 15 रुपए चार्ज करने की तजवीज पेश की, जिसके ऊपर बहुत सारी मीम्स बनाई गई और बांग्लादेश के लोगों को रिक्वेस्ट करते हुए देखा गया कि आपने 1947 से लेकर 71 तक जो रेडियो सुना है उसके सरचार्जेस आप पाकिस्तान को पे कर दें। इन सारे चार्जेस के अलावा अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपका बिजली का बिल 25,000 क्रॉस करता है तो 7.5% के हिसाब से आपको इनकम टैक्स भी चार्ज किया जाएगा। हजूरे वाला, ये वो एक्स्ट्रा से चार्जेस हैं जो एक बिजली के बिल को एक्चुअल कंजप्शन कॉस्ट से भी डबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम आपको एक बिजली का बिल दिखा रहे हैं जिसमें बिजली की कॉस्ट 28,543 रुपए बनती है, लेकिन टोटल बिजली का बिल 48,583 रुपए बन रहा है, जो कि एक्चुअल बिजली की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। 28,500 के ऊपर की रकम जो इस बिल के अंदर ऐड की गई है, ये वही सरचार्जेस हैं जिनका जिक्र अभी हमने आपसे किया। इस सारी सूरत हाल के अंदर लोग रोडों पे आ गए हैं और एहतजाज करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के ऊपर भी ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान की गरीब आवाम को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, हर तरह का बोझ उठाने के लिए पाकिस्तान की गरीब आवाम को ही आगे क्यों किया जाता है, उस एलीट क्लास को क्यों टारगेट नहीं किया जाता जो आसाइशों की मद में सालाना $17 बिलियन की फैसिलिटीज हासिल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर काफी सारे अदारे ऐसे हैं जो फ्री बिजली और फ्री सहूलियात इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से बोझ है। गरीब आदमी अब ये सवाल उठाना शुरू हो गया है कि अगर आप हमसे चार्ज करते हैं तो आप उन लोगों को ये फैसिलिटीज क्यों प्रोवाइड करते हैं। अवाम ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि इन अफसरान को फ्री बिजली देना भी बंद किया जाए और वो सारी मराहत बंद की जाए जिसका बोझ इस गरीब अवाम के ऊपर डाला जा रहा है। अब तीनों हजरात, अवाम को शऊर आना शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग अपने हक के लिए उठेंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, और ताकत के अवानों के अंदर भी लोगों को ये समझना होगा कि हम सारा बोझ गरीब अवाम पे नहीं डाल सकते। अब उनको एलीट क्लास
सरकार को भी इस कटहरे के अंदर लाना होगा जहां पे उनके ऊपर भी इन सारी महंगाई के बोझ डाले जाएं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोबारा मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।